अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आसिफ खान है। मेरे वालिद साहब चिंतलमेट में रहते, वहां पे पानी का फिल्टर का कारोबार करते, बिजनेस करते। हमारे तीसरे वाले भजान जो 2018 से, दूसरे वाले भजान 2018 से हमारे बहन के ऊपर और उनकी बहन बेटी के ऊपर भी थोड़ा सा टॉर्चर कर रहे थे, दूसरा कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे। तो उस तरीके से वाली साहब पुलिस वालों के ऊपर एक्शन भी कर रहे थे, पुलिस वालों को बोले थे कि भाई इस तरीके से कर रहे हैं, बहन के ऊपर बेटी के ऊपर टॉर्चर कर रहे। और मेरे वालिद साहब जिंदगी भर ऐसा मेहनत करके बच्चों की शादी करे और उसको पुलिस वाले उसको 2 महीने की जेल में, ऐसा कुछ 1 महीना 15 दिन या 10 दिन कुछ जेल में रखे। रखे के बाद उनको जेल में जाके मिले तो वालिद साहब को बोला कि मैं फैमिली के साथ खुश रहता हूँ। उसके 4 बच्चियाँ हैं, उन्हों DLF में डिफेंस में नौकरी में काम करते और उन्हों अपने आप को ऐसा मैं साइको हूँ, थोड़ा सा पागल हूँ बोल के ऐसा बता के हर चीज़ का ऐसा बच्ची की उनकी बेटी को टॉर्चर करना। और एक उनका घर था, वो घर को भी उन्होंने मदरसे वालों को ऐसा खैरात भी दे दिए कि मैं जन्नत में भिजाता हूँ तुम लोगों को, जन्नत में तुम लोगों को घर मिलता, इस तरीके से बोल के 2018 में वो करे थे उन्होंने। तो वालिद साहब उनके ऊपर केस करे थे पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस वाले उनको ठीक है तुम्हारी प्रॉपर्टी आप जो करते करो बोल के बोले। फिर बाद में उसके बाद उन्होंने बच्ची के ऊपर कुछ टॉर्चर कर रहे थे बेटी के ऊपर उनके, मतलब 2018 में शादी करीब हुई 2000, देखो छोटा था मैं, नहीं अच्छा अच्छा टाइम हुआ सर, अच्छा टाइम हुआ 2010 में 12 में मेरे को उतना होश नहीं है, मैं छोटा हूँ, 2005 में छोटे थे हम लोग, बहुत छोटे थे। वालिद साहब पूरी जिम्मेदारी से अच्छे पढ़े लिखे हैं और मेरे को उस तरीके में जब जेल से उनको बाहर निकाले, हाँ मैं सब कर लेता हूँ, माफी मांग लेता हूँ, बच्चों की जिंदगी अच्छी देख लेता हूँ। तो उनको गवर्नमेंट नौकरी भी है जबकि उनको डिफेंस में, वो नौकरी उनके हाथ से चले गई थी। फिर बाद में नौकरी भी पेपरों पे साइन करके बहन वालिद साहब, हमारे बहन खुद हमारे को हर के भी बोलते तो मैं नजरअंदाज कर देते थे, वालिद साहब जान दे घर का है। तो उस टाइम पे उन्होंने बात करके जब बाहर निकाले, निकाले के बाद उनको फिर 2018 में अभी अभी जो हुआ है आज का वाकया वो वहां से शुरू हुआ, आज का वाकया उस टाइम से आज तक भी नहीं, हम लोगों के साथ जितनी भी मोहब्बत खुलूस करके, जितनी भी मोहब्बत करके उन्होंने पिछले साल भी हज को जाके हमारे पास से आके मिलके, हम उनको अभी तक गले के सिवा था कुछ ज्यादा मिले नहीं, बस उनके खाली सामने नीचे मुंडी झुका के ठहरने वाले इंसान हम उनको कभी जिंदगी में। उनका नाम अब्दुल्ला शाहिद है, उन्होंने हज को जाते वक्त हमारे से आके माफी मांगे, आसिफ हम तुम्हारे बहुत वो करे माफी चाहते, तुम्हारे बहन को तुम्हारे बाबा को बहुत तकलीफ दी, हम हज को जा रहे हैं। उन्होंने क्या है वो क्या नहीं वो खुदा बेहतर जाने, मगर अंजुमन में रहते हम उनको अभी तक दीनदार अंजुमन में नहीं देखे, मगर उनका मसला उनकी फैमिली के साथ हम अच्छा रहना बोल के हम उनका हर उसमें साथ दिए, मगर उन्होंने क्या है वो दिल में दुश्मनी रख लेके वो जेल को भेजे बोल के आज वालिद साहब को आके पूरा तकरीबन 2 इंच इतना सर पे चप्पल से मारे और बुरखा पहन लेके पर्दे के पीछे छुप के उन्होंने स्प्रे का बॉटल छोटे भाई को वार करे, नीचे वार करके पूरा हाथ पूरा डैमेज कर दिया, हाथ की हड्डी तोड़ दी उनकी छत्तों से मार के और उनको स्प्रे मारे। उन्होंने संभले संभले तक वालिद साहब आवाज सुन के नीचे उतरे तो वालिद साहब को भी ऐसा मारे कि पूरा उनसे पूरा शर्ट दिखा पूरा ऐसा वो हो गया, वालिद साहब पूरा उनमें लुप्त था पाला।
उस्मानिया में लेके पढ़ाला, अल्लाह उनकी सहायत दे, हमारी भी उम्र लग जाए हमारे भाइयों की, मगर हम हमारे भाईजान का भाइयों का कभी उंगली तक ऐसा नहीं करे, मगर इस तरीके से हमारे वालिद साहब के साथ करा। आज भी हम गवर्नमेंट नौकरी, हम कभी भी ऐसा हम भैया उनके सामने ऐसा नहीं करे, ना वालिद साहब भी कभी ऐसा कुछ वो नहीं करने दिया हम लोगों को। चार भैया इज्जत से मेहनत करके खाने वालों को भी उन ऐसा आगे वालिद साहब को फरमाया, वालिद साहब को पूरा खून खून पूछ गया मेरा छोटे का पूरा ऐसा कहा निकल गया ऐसे और अपने आप को पागल बोल के उस तरीके से काम करा, मगर उसके भी चार बच्चे हैं, हम उसके बच्चों के बारे में सोचते हर कभी उनकी गलती कराते भी हम। मैं आपको पागल बता रहे, गवर्नमेंट नौकरी है, हम गवर्नमेंट नौकरी इतने साल से हम छोड़ भी दिए, जान ले हमारे को क्या है उनकी जिंदगी मानो खुश रह रहे बोल के, मगर हम देखा नहीं जान हमारे भाई उनके पास ही चाहे, मगर उन्हें दिल में दुश्मनी रह गए जिंदगी भर। मेरे वालिद साहब को हमेशा ताक में थे, उन्हें कब मार रहा कब मार रहा, तो वालिद साहब मेरे गाँव को गए थे दावत में, तो उन्होंने टाइम देख के मेरा छोटा भाई अकेला घर पे था पहाड़ी पे, मेरे वालिद साहब भया रहे थे उस्मान नगर पे चश्मे का, तो मेरा छोटा भाई शटर बंद करा पानी का फिल्टर, उसको पीछे से आके आंखों में स्प्रे मार के उसको सर पे मारे तक, मेरे वालिद साहब ऊपर सो रहे थे, उनको नहीं मालूम था कि वालिद साहब लगा आ गए, उन्होंने वालिद साहब नीचे उतर के आए तक वालिद साहब को भी मारा, पूरा पूरा खूना खून हो गया, मेरे वालिद साहब का हाथ की हड्डी पूरा वो हो गए, उनको आगे डाले सीरियस से बोल के बता रहे वाले साहब। हाँ सीरियस है थोड़ा सा, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी उन वालिद साहब कुछ कम लगा होंगे, कभी जिंदगी में कुछ नीचे उंगली डाल के ठहरे, कभी तो उंगली तो ना लगाया उनको, आपके भाई को नशा वगैरह करते क्या है कि हम तब उनके घर पे कभी एक टाइम खाना तक नहीं खाए, मिलने नहीं जाते थे हम, क्यों क्योंकि उनको पसंद नहीं था हम लोग डालना टहलना, तो भी हम उनसे दूर रह के खुश रहा, मेरे वालिद साहब हर चीज करे उनको, किस तरह का टॉर्चर करते थे, उन्हें खाने पानी को हर चीज को रोक टोक करते थे, मदरसे वालों को घर दे दिए थे, क्या है कि पता नहीं, मगर जेल को बुझाए जब से वालिद साहब को दुश्मनी रख लिया था कि ऐसा मेरे को भिजाए, मगर अल्लाह का शुक्र है मैं सोचा था हज को जा रहे थे, हमें पिछले साल 5-6 लाख रुपए लगा के हज को गए, जाके आके मेरे से भी मिले गले घर पे, वालिद साहब के भी मिले, माफ कर दो कुछ भी ऐसा गलती रहे दो, मगर हम कभी दिन उनके सामने कट्टर से अटैक करे, कट्टा लेके आए थे, बुरखा पहन के आए थे, बुरखा पहन के आए थे, स्प्रे का बॉटल रख लेके हेलमेट पहन लेके, केमिकल बाजबता था मुंह पे मार के मेरे भाई को आधा पलटे पलटे तक उन्होंने मार दिया पर्दे के पीछे छुप के, फिर हमारे वालिद साहब उनकी आवाज सुन के नीचे उतरे, वालिद साहब को भी अटैक करे, गली के लोग वालिद साहब को और मेरे भाई को लेके आया उस्मानिया हॉस्पिटल का, गली वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस वाले आए थे साहब आके पूरा स्टेटमेंट लिए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करते बोले, और उनको जो पागल बना है जो बोल रहे हैं कि मैं पागल हूँ कुछ भी नहीं है, उन्होंने डिफेंस नौकरी में नौकरी करते भाजपा, उनके 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, एक बेटा है, तो भी उन्होंने वालिद साहब के ऊपर दुश्मनी रख लेके उस तरीके से वार करे। वालिद साहब का नाम क्या है? वालिद सलीम खान है। क्या उम्र है उनकी? उनकी 56 साल सा कुछ है उम्र। भाई का नाम क्या है? भाई का माजिद खान है। क्या उम्र है उनकी? उनकी उम्र 27 है। शादीशुदा है? नहीं, छोटे भाई है हमारे, सब में छोटे भाई है, कभी ऐसा कुछ ऐसा हम लोग सिगरेट गुटखा कुछ भी नहीं है सर। ठीक है, पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना, और थे अटैक करने में कम नहीं, अकेले अकेले थे, और उन्होंने हर तरीके से सोच विचार करके वो प्लानिंग करके तरीके से काम करे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से वार करे हैं पूरी तरीके से, कोई बैग में आए थे बोल के सुने जिस तरीके से आए ना, पूरी तैयारी करके आए थे सर, और जिस तरीके से हमारे लोग पकड़ के रखे उनको महल्ले के अंदर पुलिस वालों के हैंडल जी, नौकरी क्या है? ड्रेस में नौकरी है उनकी, गवर्नमेंट नौकरी है, सेंटर क्या है पता नहीं, अच्छी नौकरी है उनकी, मगर हम लोग अच्छे खुश रहते हैं बोल के हम उस टाइम पे 2018 में वो करे थे, उसके बाद से हम कभी भी उनके सामने उन्हें भी ठहरे नहीं, हमारे भी नहीं ठहरे। ठीक है।